हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज किस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के Pixel OS के बारे में। ये जो रोम है ये आपको किस तरह से देखने को मिलता है, इन सब के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे आपको 13 देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आपको 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। मई का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे जल्दी देखने को मिल जाएगा, बट फिलहाल यहाँ पे अप्रैल का है क्योंकि अप्रैल वाला अपडेट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। और आज की इस वीडियो में इस रोम के बारे में बात करने वाले, इस रोम के कैमरा, सीपीयू थ्रॉटलिंग स्कोर, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे फेस किया, इन सब के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या ये रोम डेली यूज के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, इन सब के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, बिना किसी देरी के चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो बात करूं, लास्ट 1 मंथ से मैं यहाँ पे MIUI 14 यूज कर रहा था, जो MIUI 14 का इंडियन अपडेट आया था। बट यहाँ पे 3-4 दिन पहले मैंने इसे अपने Redmi Note 10 Pro में यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और बात करेंगे इस रोम में आपको क्या स्पेशल देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हैं, कितना स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, काफी अमेजिंग है। कोई भी लैग, जिटरनेस, ये सब कुछ भी यहाँ पे आपको फील नहीं होगा गाइज, एकदम स्मूथली यहाँ पे ये वर्क करता है। सारे विजेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि देख सकते हैं गूगल के ऑफिशियल विजेट्स। और तो और गाइज, यहाँ पे आपको बैटरी वाला विजेट्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। आपका डिवाइस, आपका ईयरबड्स, आपका ईयरबड्स का केस कैसा चार्ज है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। बहुत सारे विजेट्स, फीचर्स, ये सब देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 वाला देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पे लगा है। तो बात करते हैं इस रोम के बारे में, तो सबसे पहले तो ये पिक्सल ओएस का अपडेट है जिसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। बहुत सारे कस्टम रोम यूजर से मैंने पूछा कौन सा रोम इंस्टॉल करना चाहिए, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला पिक्सल ओएस को ट्राई करो, रेडमी नोट 10 प्रो के लिए पिक्सल ओएस सबसे बेस्ट है। जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट में, यहाँ पे आपको पिक्सल ओएस का मेंटेनर नेम, लोकल अपडेट, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पिक्सल ओएस के वेबसाइट पे यहाँ पे ले जाएगा, जो कि देख सकते हैं काफी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इस रोम के बारे में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता दूं गाइस, स्टॉक एंड्रॉइड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस रोम में। और यहाँ पे थीम्ड इंजन भी देखने को मिल जाता है, मतलब थीम्ड आइकन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे देख सकते हैं थीम आइकन देखने को मिल जाता है। आइकन शेप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉन्ट देख सकते हैं, हार्मनी ओएस यानी कि Huawei का मैं फॉन्ट अभी करंट यूज कर रहा हूँ, वन प्लस, ओप्पो, ये सब भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आइकन्स के जो शेप है, इन सब को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अमेजिंग फीचर है। ओरिजिनल स्टॉक एंड्रॉइड में ये 3 आपको नहीं देखने को मिलता है, आइकन, फॉन्ट और शेप का, तो ये पिक्सल ओएस में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें लैग वगैरह, हैंग वोंग होता है या नहीं, तो ये जो रोम है मैं लास्ट 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल भी लैग, जिटरनेस, ये सब यहाँ पे मैं फेस नहीं किया हूँ। रोम काफ़ी स्मूथ है एकदम, आपका गेमिंग भी बहुत बढ़िया हो जाता है। मैं गेम वैसे खेलता नहीं हूँ, इस वजह से मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं है गेमिंग के बारे में, बट आप ट्राई कर सकते हैं रोम को इंस्टॉल करके, ट्राई करने में क्या जाता है अगर आप कस्टम रोम यूज़र है। तो सब चीज़ तो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। एक प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ वो है यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग का, मतलब आप फोन को 100 चार्ज करके ऐसे ही अपने आप रख देंगे टेबल पे, तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो काफ़ी अमेजिंग लगता है, ये मैं इसलिए ऑन करके रखा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक आपका आइडियल ड्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के कारण या किस लिए वो मेरे को नहीं पता, बट आइडियल ड्रेन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है गाइज। और रात को मैं करीब 50% के ऊपर चार्ज करके छोड़ा था और सुबह उठ के देख रहा हूँ तो 20% बैटरी था, 30% तक बैटरी यहाँ पे ड्रॉप हो गया रात रात, तो आइडियल ड्रेन इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना तो उसके लिए आप मई अपडेट का वेट करें या फिर आप बग रिपोर्ट कर सकते हैं उनके टीम के पास। वो यहाँ पे मैं देखा हूँ आइडियल ड्रेन का प्रॉब्लम, तो वो इस रूम में आपको देखने को मिलता है। बाकी कैमरा की बात करें तो कैमरा यहाँ पे ANX कैमरा MIUI का ऑफिशियल देखने को मिल जाता है, जिसमें सारे फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं सुपर मैक्रो, टिल्ट शिफ्ट, मूवी फ्रेम, फिर ये वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग है 4K 30 FPS तक। प्रो मोड में देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी 4K 30 FPS। नाइट मोड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे सारे फीचर, क्लोन मोड, व्लॉग मोड देख सकते हैं, टाइम लैप्स, तो ये सब कैमरा देखने को मिल रहा है। कैमरा एकदम स्मूथ है, वर्किंग भी है, कि सिर्फ वाटरमार्क फीचर नहीं देखने को मिलता है जैसे शॉट ऑन Redmi Note 10 Pro, तो वो नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये जो है ANX कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइस।
तो इस रोम में आपका कुछ इस तरह से कैमरा देखने को मिलता है। बात करें सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट की, मतलब आपका देख सकते हैं कैसे स्कोर देखने को मिलता है। तो 11 मिनट का ये टेस्ट था, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिला है, जहाँ पे एवरेज है 1,34,000 का गिप्स का। देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ ग्रीन है, मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पे मेरे को सही देखने को मिला है। और वैसे भी इसमें ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल नहीं है क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, इस वजह से बाकी सब तो यहाँ पे ठीक ही देखने को मिलता है। इसलिए अभी मैं एक वीक और इसे यूज़ करूँगा, जब मन भर जाएगा तो कोई दूसरा रोम ट्राई करूँगा। तो अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना है तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा यहाँ पे, थोड़ी देर में यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम रोम इंस्टॉल करने आप आना चाहिए, नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यही है गाइस पिक्सल ओएस का, देख सकते हैं रोम। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।